हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर जिले के आबकारी निरीक्षक सवाई सिंह रत्नो को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही की टीम ने शनिवार को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि आबकारी निरीक्षक की राशि एक शराब की दुकान से मासिक बंदी के रूप में ली थी। एसीबी सिरोही के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जालौर जिले के डूरसी गाँव स्थित शराब की दुकान के सेल्समैन वाग सिंह ने एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई कि जालौर में कार्यरत आबकारी निरीक्षक शराब की दुकान से संचालन के लिए प्रति माह 5,000 रुपए मांग रहा था। उसने बताया कि जनवरी से मार्च तक की अवधि के 15,000 मांग रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पहले निरीक्षक 8,000 रुपए ले चुका है। एसीबी ने शिकायत दर्ज कर कार्यवाही की रूपरेखा बनाई और शनिवार को आबकारी थाने में वाग सिंह को 7,000 रुपए के साथ भेजा। सवाई सिंह ने 7,000 रुपए लेकर अपनी जेब में डाल दिए। उसी समय एसीबी की टीम वहां पहुंच गई। एसीबी की टीम को देखते ही उसने रिश्वत की राशि को वहां बिछी हुई चटाई के नीचे डाल दिया। एसीबी की टीम ने रिश्वत की राशि बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जागरूक टीवी के लिए जालौर से खास रिपोर्ट।